हेलो 3 and 30 फैमिली मेंबर्स, कैसे हो? आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। और हाँ, फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए यार, क्योंकि तुम लोग 3N फैमिली के मेंबर हो और मैं हूं ना तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए। तो चलो हंसते हंसाते हुए और राइटर की बजाते हुए नोबल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा झंडाटेदार था, है ना? आज से ये लाइन अपन अपनी पंच लाइन में जोड़ते हैं। हंसते हंसाते हुए राइटर की बजाते हुए एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं पिछला एपिसोड। लेकिन हाँ, पहले अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। कर दिया? हाँ, बहुत सही। लाइक करना था, ऑब्वियसली बहुत सही कर दिया है। कमेंट भी जाकर कर ही दो कोई अच्छा सा। अरे ये नहीं, नेक्स्ट वीडियो वाला बात मत कर देना यार, कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो। अरे नेक्स्ट वीडियो अपने टाइम पे आएगा, और कुछ अच्छा कमेंट करो। और एक और, अभी तुम्हें सब्सक्राइब करना है, वो लाल अगर देख रहा है तो उसको तुम सफ़ेद कर दो टच करके। और शेयर तो कर ही दो, फेंक के मारो एंग्री बुद्धा लोटा समझ के अपने दुश्मनों के ऊपर। हाँ, अपने घर वालों के ऊपर भी फेंक सकते हो, मतलब रिलेटिव्स के ऊपर, क्योंकि मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिलेटिव्स एंग्री बुद्धा डिजर्व करते हैं। तो आओ आते हैं नोवल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था तमाशा, जहाँ जोयान ने पेल दिया था ब्लड मॉन्स्टर्स को, जो कि ऑब्वियसली 1,00,000+ थे। इसके बाद ब्लड ड्रैगन को जोयान ने निकाला था। ब्लड ड्रैगन एक लड़की बन गई थी, लड़की काफ़ी सुंदर थी लेकिन बहुत छोटी थी, इसलिए उसका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसके बाद हमने देखा था कि जोयान उस लड़की से उसकी आइडेंटिटी को पूछता है, उस लड़की को कुछ नहीं पता होता, वो केवल कहती है ड्रैगन क्लेन। जोयान कहता है अच्छी बात है, तुम्हें ड्रैगन क्लेन का एंट्रेंस पास माना जा सकता है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी तो ड्रैगन क्लेन में कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद जोयान वहाँ से निकल लेकर रास्ता खोजता है और मरमेड ट्राइब पहुँचते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि क्या नहीं बहुत टेंशन में होती कि जोयान कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं आया। तो सभी लोगों को लगता है कि जोयान मर गया होगा, लेकिन उसे नहीं लगता। जिसके बाद काफ़ी वेट के बाद जोयान वहाँ पर पहुँचता है। वो पूछती है जोयान कैसे हो, ठीक हो या नहीं। बट हमने देखा था कि वहाँ पे जियो जान की सुलग जाती है और वो तुरंत ही कहता है मास्टर को कुछ नहीं हुआ, मुझे चोट लगी है। तो वो ट्रीटमेंट करती है। तभी जियो यान को देखते वो कहती है यार इतना मोटा लड़का और बिहेवियर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जिस पे जियान कहता है हाँ मैंने भी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम है। जिस पे लड़की शर्मा गई होती है यार, मतलब समझ गई थी ना, लड़कियों को फंसाना कोई अपने ठरकी से सीखे। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपनी नोवेल को और देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्ट जस्ट वहीं से होती है। जज जोयान कहता है अगर कोई भी शॉर्टकट है तो एल्डर मुझे बताइए। जो सुनकर एल्डर सिंह जी खांसते हैं और कहते हैं वह काफी खतरा है। जिस पे जोयान कहता है मैं किसी खतरे से नहीं डरता, मुझे केवल शॉर्टकट बताओ चाहे कैसा भी हो। अगर जोयान वहाँ जल्दी पहुंच सकता था तो जोयान इसे ट्राई करने के लिए रेडी था। तभी क्या नहीं कहते हैं लेकर वहाँ पे काफी सारे लोग पास तो हो चुके हैं, बट ऐसा कहते हैं वहाँ पे वाइट मॉन्स्टर है जो लोगों को जिंदा खा लेते हैं। जो सुनकर तो जोयान भी चौंक जाता है और जोयान सोचने लगता है कि क्या ये वही अंडरकरंट है जिससे वो अभी पास होकर आया था। जिसके बाद जोयान याद करते हैं कि उसकी जुक्सी सिटी में भी तो काफी सारे वर्मोल थे, लेकिन वो सभी नॉर्मली ह्यूमंस द्वारा बनाए गए थे इसलिए उनकी एनर्जी बैलेंस थी। बट ये जो अंडरग्राउंड सी वेव्स हैं, यानी अंडरकरंट, ये नेचुरल नेचर के कारण क्रिएट हुए हैं, तो इनके अंदर जो एनर्जी का सपोर्ट है वो नेचर से है, जो कि काफी अनबैलेंस है। इसीलिए इसमें जाना मतलब मौत के मुंह में जाने जैसा था। जहां तक वाइट मॉन्स्टर की बात थी तो जोयान इस पे थोड़ा सा सीरियस होता है, क्योंकि उसे पता था कि वाइट में तो कोई भी लाइफ नहीं है। और जोयान ने इसे तब फील किया था जब वो डाउडी कॉन्टिनेंट में आ रहा था। अब उसके दो ही रीजन हो सकते थे, या कि वाइट में कोई भी है तो वो उससे पावरफुल है, या फिर वहां कोई भी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जोखिम कितना भी बड़ा हो, जोयान के पास यहाँ पे अभी ऑप्शन बहुत कम थे। हालांकि जोयान और बाकी लोग यहाँ पे टेंशन में होते, लेकिन तभी एक बाहर पावरफुल रोर होता है और ये आवाज सी के अंदर काफी स्पीड से ट्रेवल करने के कारण उत्पन्न हो रही होती है, जो देखकर जोयान आंखें से खोल लेता है और तुरंत ही कहता है ये क्या है। तभी अचानक ही एक मरमेड गार्ड आते हुए कहता है रिपोर्ट रिपोर्ट। अबे तो बोल ना प्रिंसेस, दो पावरफुल और मरमेड ट्राइब की तरफ आ रहे हैं। और ऐसा कहते हुए एक गार्ड सीधा ही साष्टांग प्रणाम करता है क्यान को, जो देख कर एल्डर सीजी भी तुरंत ही कहते हैं क्या वास्तव में यहाँ कोई आ रहा है। जॉन ने अभी अभी ब्लड इविल गॉड जनरल को मार डाला था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी कोई आएगा। तभी जॉन कहता है जाओ इन्हें मैं देखता हूँ, मुझे भी तो पता चले 7 गॉड जनरल्स वास्तव में इसके लायक भी हैं या नहीं। जॉन के चेहरे पे घंटा कोई डर नहीं था, अपना ठरकी बिल्कुल अपनी तरह है, जो होगा देखा जाएगा, भले फिर जो हो वो ना देखा जाए। जिसके बाद जॉन कहता है ब्रदर्स फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद जॉन सभी लोगों को जो कि आराम कर रहे थे देखते हुए तुरंत ही सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ जो जॉन के पास किंग मुयर भी आती है और उसके साथ वही छोटी लड़की भी होती है, और वो तुरंत ही कहती है लिटिल आयर अगर हम सब चले गए तो इसका क्या होगा, और हेल्पलेस तरीके से स्माइल करती है। तभी जॉन कहता है ये यही रह सकती है, यहाँ कोई बुरा पर्सन नहीं है इसीलिए ये यहाँ पे ज्यादा सेफ होगी और ये आपकी काफी अच्छी देखभाल करेंगे और हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि ये लड़की समझी या नहीं, लेकिन वो तुरंत ही अपनी आंखों को घुमाकर उसी डायरेक्शन में देखती है जहाँ से पावरफुल रेल रोर की आवाज आ रही होती है। और इसके बाद उसके मुंह से एक आवाज निकलती है ड्रैगन ड्रैगन क्लेन,
अब ये लड़की जब से आई थी तब से ये ड्रैगन क्लेन ही बोल रही थी, इसलिए जॉन को समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाहती है। लेकिन इस टाइम पे जॉन को इस बात की परवाह करने का ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे वास्तव में ब्लड मॉन्स्टर आ रहे थे तो उनसे निपटना सबसे जरूरी था। हालांकि वो छोटी लड़की वहीं रुक जाती और कैनिंग तुरंत ही आकर उसे स्माइल करते हुए अपने साथ ले लेती है। दूसरा किंग मुयर उसे स्माइल करते हुए कहती है तुम यहीं रहो, और जो यान के पास चली जाती है। और इसके बाद मरमेड ट्राइब से निकलने के बाद पावर ऑफ स्पेस की पार से हर कोई कवर होता है और वाटर में सीरियस तरीके से सामने की डायरेक्शन को देख रहा होता है। कुछ ही टाइम के अंदर जॉन और बाकी लोगों की आंखों के सामने दो लाइट की रेस दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनके सामने रुक जाती है। उनकी बॉडी में कोई भी किलिंग इंटेंट ऑरा नहीं होता और इनका ऑरा ब्लड मॉन्स्टर्स की तरह भी नहीं था। जॉन को जैसे ये अपनी स्पिरिचुअल पावर से पता चलता है तो थोड़ा सा सोच में आ जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। जॉन को अच्छे से याद था कि जो ब्लड मॉन्स्टर था उनके अंदर कोई दिमाग नहीं था। नाइन स्टार जो ब्लड मॉन्स्टर थे वो बोल सकते थे और जो ब्लड गॉड जनरल था उसकी तो शक्ल भी कुछ हद तक इंसानों से मिलती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने के ये दो जो फिगर से ये पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ब्लड मॉन्स्टर्स हो। इसलिए जॉन तुरंत ही कहते हैं आप कौन हैं और आपका क्या इरादा है, जो सुनकर जॉन के अपोजिट डायरेक्शन की जो फिगर होती है अचानक चौंक जाती है। हालांकि जैसे ही जॉन अपना सिर उठाकर उस चेहरे को देखता है तो बंदा पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और उसे एक फैमिलियर ऑरा फील होता है। जॉन की बॉडी में कपकपी छूटने लगी थी और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है जी जिया जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया भाई जिया। हालांकि जॉन ने उस चेहरे को काफी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा था, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा था जिसे जॉन कभी भी नहीं भूल सकता था। आखिरकार उसने कंधे से कंधे मिलाकर फाइट की थी भाई दिन रात, जॉन कैसे उसे नहीं पहचानेगा। ये चेहरा जॉन के दिल और दिमाग में फुल फिट बैठ गया होता है। पर्पल बाल जो समुन्द्र के पानी में तैर रहे होते हैं, उसके चेहरे की स्पेशलिटीज जो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे, उसके माथे पे दो छोटे से सींग भी थे, ये कब निकल आए, जो कि उसे थोड़ा सा प्यारा दिखा रहे थे, घंटा प्यारा दिखा रहे थे, सींग निकले हुए हैं उसके ऊपर अच्छा लग रही होगी। और ये थी एक फुल्ली यंग और मैच्योर जिया, और ड्रैगन क्लेन में उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे यंग माना जा सकता था, लेकिन वो अभी भी छोटी और प्यारी ही दिख रही थी। और इस टाइम पे जिया ने भी जॉन को पहचान लिया था और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है जियो यान, और बंदी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई होती है जितनी बड़ी वो खुद नहीं थी। वो वास्तव में इस अजीब जगह पर अकेले आई थी, वहाँ कोई भी उसका नहीं था, और अब जाकर वो किसी पुराने फ्रेंड से मिली थी। भला वो अपने दिल के एक्साइटमेंट को कैसे छिपा सकती थी। बस मुझे अब ये मत कहना कि इसकी शादी जॉन के साथ होगी, कह दो ये झूठ है। नहीं यार, राइटर कुछ और कह रहा है। और इससे भी ज्यादा जो यान और जिया के दिल में एक दूसरे के लिए पहले से ही काफी ज्यादा फीलिंग्स थी। साथ ही जो जिया होती है जो ऑब्वियसली एशियन वाइट ड्रैगन एम्परर थी, उसने हर जगह सभी को हरा दिया था और उसकी दबंग पावर के सामने हर कोई उससे डरता था, यहाँ तक कि डाउडी कॉन्टिनेंट में तो जो यान भी हैरान था। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अलग होकर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इस टाइम पे पूरे हिस्से में केवल इन दोनों की ब्रीथें गूंज रही होती है। हालांकि तभी जो यान को पावरफुल और आते हुए फील होते हैं। जो यान की स्पिरिचुअल पावर में और इनके अंदर की ब्रीथ उतनी ही कोल्ड थी जितनी कि जॉन ने ब्लड मॉन्स्टर से फील की थी, जो देखकर जॉन तुरंत कहता है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल एनिमी आ गए। और जॉन की आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छाता है और दो फिगर्स जो ब्लैक होती हैं वहां फिगर अपीयर होती हैं। उनकी जो स्किन होती अभी भी ब्लड रेड थी और उन्होंने ब्लैक आर्मर पहना हुआ था और उनका ऑरा जो यान से स्ट्रॉन्ग था, यानी 9 स्टार पीक लेवल। इसलिए उन दोनों से यह फील किया जा सकता था कि इनके द्वारा रिलीज किया जा रहा ऑरा इविल ब्लड गॉड जनरल से 1 स्टेप आगे था, वो लेट पे था, ये पीक पर है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं मरमेड ट्राइब, तो ये पता चला कि ये आप ही हैं। आप बहुत ब्रेव बनते हैं, आप 7 जनरल्स में से एक को मारने की हिम्मत करते हैं, इसीलिए आज मैं आपकी पूरी मरमेड ट्राइब को गोल्डन सी से ही गायब कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो बंदा जोर से गुर्राने लगता है और स्कारलेट रेड लाइट उसकी बॉडी से ग्लो होने लगती है और उसकी आवाज पूरी मरमेड ट्राइब में गूंज रही होती है, जो सुनकर मरमेड ट्राइब में हर कोई चौंक गया होता है और डर भी गया होता है। ऑब्वियसली एल्डर सीजी और कियानिंग के भी इंप्रेशन बदल गए थे कि वास्तव में उन्होंने पावरफुल ब्लड मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया। हालांकि तभी एक आवाज आती है, ओ तो वास्तव में आप मरमेड ट्राइब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए। जो सुनकर तो वो दोनों ही लोग जो यान की तरफ देखते और पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है ये चूतिया है जो 2 9 स्टार पीक लेवल के वॉरियर से इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं आप कौन हैं? आपकी ताकत काफी अच्छी है, आप 9 स्टार के लेट स्टेज पे हैं, इसीलिए आप मुझसे लड़ने लायक तो हैं, लेकिन आप मरमेड ट्राइब की तरह नहीं दिखते। हालांकि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसके जो वर्ड होते हैं काफी एरोगेंटली होते हैं और बंदा फुल एटीट्यूड में होता है। और इसके बाद वो अपने किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ जो यान के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनकी स्पिरिचुअल पावर थी,
और उनकी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट ऑरे का सामना करते हुए, जो देखकर तो जोयन अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए आसपास के एरिया को कवर कर लेता है। और जोयन की स्पिरिचुअल पावर जो कि वर्ल्ड रैंक के लेटेस्ट स्टेज पर पहुंच गई थी, उसे पहले ही वीक हो चुके डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल माना जा सकता था और बहुत कम ही लोग थे जो इस लेवल की स्पिरिचुअल पावर को रखते थे। और जोयन की स्पिरिचुअल पावर उन दोनों के अटैकों को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है, जो देखकर तो बहुत हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा घूरते हुए जोयन को देखते हैं। तभी एक बंदा कहता है, ऐसा लगता है कि लाओ क्वी आपके हाथों मारा गया है। आखिरकार जोयन की स्पिरिचुअल पावर को फील करके उन्हें एक चीज तो पता चली थी कि इस बंदे के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वो फिर कहता है, मैं वही सोच रहा था कि मरमेड ट्राइब तो इतनी वीक है, लाओ क्वी को भला कौन मार सकता है। तो ये पता चला कि एक ह्यूमन ट्राइब का बास्टर्ड है। वास्तव में लाओ क्वी इतना लापरवाह था कि वो एक लेट स्टेज 9 स्टार से भी नहीं निपट पाया। ये तो वास्तव में हमारे लिए शर्म की बात है। चूतियों अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल जाओ। उसके ऊपर राइटर का आशीर्वाद है और वो साउथ का हीरो है। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मारता है, वो तुम्हारी कबर खोद देगा और मार मार के कबर खोद देगा, मार मार के। हालांकि हमारी कौन सी सुनने वाले हैं, तो आगे चलते हैं। इस टाइम पे उनकी जितनी भी नफरत थी, अब वो जोयन के ऊपर फोकस हो चुकी थी। वो जोयन के टोटे टोटे करना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो देखकर जोयन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर मैं अभी भी मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास और भी काम है, अगर नहीं भागे तो मैं मार दूंगा। जो देखकर वो गुस्से में चलाते हुए कहते हैं, तेज जुबान वाले इंसान, तुम हमसे बकवास करने की हिम्मत करते हो। और इसके बाद वो अपना हाथ उठाकर सीधा ही एक पावरफुल अटैक जोयन की तरफ भेज देता है, जो कि एक ब्लड पाम होती है जो सी वाटर को चीरते हुए जोयन की तरफ आ रही होती है। जो देखकर जोयन के पीछे खड़े हुए सभी लोग कहते हैं, मास्टर जियो, इनको बहुत चिंता हो रही थी, अबे सालो तुम पीछे रहो। वो जोयन की आदत और इरादे को जानते थे कि जोयन उन्हें इस फाइट में इंटरफेयर करने नहीं देगा। तभी जोयन कहता है, इस तरीके के बास्टर्स के लिए तुम्हें एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और इतना कहने के बाद जोयन तुरंत अपने हाथ को उठाकर कहता है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और दोनों ही हाथों की टक्कर के साथ दोनों ही अटैक गायब हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही फिगर्स का इरादा जोयन से अकेले लड़ने का नहीं था, इसीलिए जब एक फिगर ने अटैक शुरू किया था तो दूसरी फिगर भी जोयन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गई होती है। और दोनों ही 9 स्टार के पीक लेवल पर थे और एक ही टाइम पे उनकी अटैक जोयन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। जो देखकर जोयन घबराता नहीं और तुरंत ही कहता है, येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, और थीरो ही येलो स्प्रिंग अटैक एक्टिवेट कर देता है। साथ ही इनकी पावर को बढ़ाने के बाद, मतलब बेटर स्किल की रैंक को बढ़ाने के बाद, जोयन टेस्ट भी करना चाहता था कि क्या वास्तव में ये काम के हैं और पावरफुल ओपोनेंट को हरा सकते हैं। हालांकि तभी दोनों ही लोग पावरफुल तरीके से जोयन के ऊपर अटैक करते हैं और जोयन के बैटल स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखकर जोयन भी थोड़ा सा परेशान होता है कि ये दोनों तो वास्तव में पिछले वाले से कुछ ज्यादा पावरफुल हैं और उन्हें अकेले संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जोयन तुरंत ही अपने हैवी जोयन रूलर को अपेयर करता है और अपनी तरफ बढ़ रहे पाम और क्लॉ अटैक के ऊपर जोयन तुरंत ही एक अटैक करता है, दो अटैक, और उन दोनों ही अटैकों को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन बैकलेस फोर्स के कारण जोयन थोड़ा पीछे की तरफ जाता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, सीनियर सिस्टर लॉन्ग क्यूंग, उसकी मदद करिए, वो वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो डाउडी कॉन्टिनेंट में, ड्यूकी कॉन्टिनेंट से आया है, वो पहला पर्सन है। जी, अपने बगल में खड़ी हुई लड़की को देखकर बार बार ऐसा कह रही होती है। साथ ही ये लड़की काफी लंबी ऊंची और एक जेट फिटिंग टाइट सूट पहने हुए थी, स्रॉड जैसी इसकी आईब्रो होती है। साथ ही एक लड़की थी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी वीक ऑरा नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो हो रहा होता है। और शायद ये पूरे ड्रैगन क्लेन की स्पेशलिटी थी कि उनका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग लगता था, मानो जैसे वो सभी में सबसे बेस्ट हो। जो देखकर मिस लियू कॉन्ग तुरंत ही कहती है, ठीक है, और उनके हाथों के सामने एक ब्लैक स्पेयर अपेयर होता है और उसके अपेयर होते ही तुरंत ही एक पावरफुल ड्रैगन रोर सुनाई देता है और उनकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा जनरेट होता है जो 9 स्टार लेट स्टेज पे था। और ऑब्वियसली दोनों ही ब्लड मॉन्स्टर्स ने लॉन्ग क्यूंग का ऑरा फील कर लिया था, इसलिए उनके इंप्रेशन बदल जाते हैं। दूसरे जोयन भी हैरान होता है कि क्या वास्तव में लॉन्ग क्यूंग उसकी मदद करने वाली है। जोयन तुरंत ही समझ जाता है कि शायद ये जिया के कारण होगा और उसने उनकी मदद के लिए कहा होगा, इसलिए जोयन तुरंत ही काइंड तरीके से कहता है, सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही मैं इन दोनों बास्टर्ड से निपट सकता हूँ, इसीलिए मैं सीनियर को एक्शन लेने के लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और जोयन तुरंत ही उन्हें मना कर देता है जो उसकी मदद के लिए आने वाली थी। जो देखकर तो सीनियर लियू क्यूंग काफी हैरान होती है और अपने स्पेयर को गायब कर देती है। साथ ही वो तुरंत ही कहती है, लॉन्ग क्यूंग इन दोनों ग्रेट जर्नल्स को लिंग यू डिवाइन जर्नल और ब्लड बोन डिवाइन जर्नल होना चाहिए जो कि 9 स्टार के पीक लेवल पर है, इसीलिए आपको अलर्ट रहना होगा। साथ ही उसे नहीं लग रहा था कि जोयन अकेले इन दोनों से निपट सकता है, लेकिन फिर भी वो काइंडली, मतलब काफी काइंड तरीके से जोयन को उनके बारे में बताती है। तभी जे अपने पैर पटकते हुए तुरंत ही कहती है, ये अभी भी अपने पावर का दिखावा करना ही पसंद करता है, क्या ये अब भी नहीं बदला, और अजीब तरीके से हंसने लगती है। साथ ही वो काफी खुश भी थी कि जोयन अभी भी पहले जैसा ही है, कि सब कुछ अकेले देख लूंगा। और ये वही जोयन था जिसे वो जानती थी।
तभी दोनों ही ब्लड जनरल्स कहते हैं, ईगोफुल लड़के, क्या तुम सोचते हो कि तुम हम दोनों पर अपने अकेले के अटैकों के साथ कॉम्पीट कर पाओगे? तो बस मरने का वेट करो। और इतना कहने के बाद ब्लडबोर्न गॉड जनरल जो यान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और दूसरा जनरल भी जो यान के पीछे आ जाता है, और उनके पावर अटैक जॉन के काफी क्लोज होते हैं। तभी जॉन तुरंत ही अपने दोनों हाथों को चेंज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को कंडेंस करता है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, मैं आपके साथ कॉम्पिटिट कर सकता हूँ या नहीं वो इसे ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद जॉन अपने हाथ में इकट्ठे हुए एंग्री बुद्धा लोटस को तुरंत ही फेंक देता है। साथ ही जॉन का जो फायर लोटस था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जॉन की पावर भी तो बड़ी थी। जिसके बाद जो यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लिंक्यू गॉड जनरल और ब्लडवुड गॉड जनरल के ऊपर फेंक देता है, और एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट होता है और पावरफुल पावर फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलने लगता है। यहाँ दोनों ही ब्लडबोर्न जर्नल्स यानी जर्नल जॉन के एंग्री बुद्धा लोटस को ज्यादा पावरफुल नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, और पीछे हटने के लिए अब इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए बेचारे उदास होकर तुरंत ही चिल्लाते हैं, ब्लड गॉड आर्मर। ये नाम साला कहीं सुना सुना है, ब्लड गॉड आर्मर नहीं, ब्लैक गॉड आर्मर सुना है हमने, यह है ब्लड गॉड आर्मर। और उनके चिल्लाते ही और फायर लोटस की पावरफुल फायर को फील करते ही वो पीछे हटने के बजाय अपनी बॉडी को तुरंत ही आर्मर से लपेट लेते हैं। दूसरा इन फ्लेम्स ने भी उन्हें तुरंत ही कवर कर लिया होता है। दूसरा एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट होते ही लॉन्ग क्यूओंग जो जिया के बगल से खड़ी हुई होती है वो काफी हैरान हो जाती है, उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी पावरफुल पावर का फ्लक्चुएशन ये लड़का कर सकता है। दूसरा जो जिया के चेहरे पर तो एक प्यारी सी स्माइल होती है, और वो तुरंत ही कहती है, ऐसा लगता है जो एंड डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर भी सभी की लंका लगा रहा है। और यहाँ पे तो जिया शायद जब से डाउडी कॉन्टिनेंट आई थी तब से इतनी ज्यादा खुश वो फर्स्ट टाइम दिख रही थी, क्योंकि इससे पहले हमेशा वो जो यान को लेकर टेंशन में रहती थी कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, क्या होगा भी नहीं होगा। हालांकि देखते ही देखते ये फ्लेम्स धीरे 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 गायब होती हैं, और दो एम्बेरस फिगर सभी के सामने आती हैं, जिनकी बॉडी का आर्मर पहले ही फायर लोटस के कारण ब्लास्ट हो चुका था और कपड़े भी फट चुके थे। जो देखकर वो तुरंत ही कहते हैं, डैम इट ह्यूमन, तुम वास्तव में हमें इस लेवल तक लेकर जा सकते हो, इसलिए तुम्हें काफी स्ट्रांग माना जा सकता है। इन दोनों ने जॉन से उनकी ऐसी हालत कर देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो जॉन कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों को ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आपके अंदर दम है या नहीं, आप तो बौखलाते हुए कह रहे थे कि आप पेल देंगे, मेरी क्या गलती है। जो देखकर तो लिंगजू डिवाइन जनरल तुरंत ही कहता है, ब्लडबोर्न हम सब बाहर जा रहे हैं तो हमें आज इस बच्चे को खत्म कर ही देना चाहिए। और दोनों शेर हिलाते और किलिंग इंटेंट के साथ जो यान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद लिंगजू अपनी उंगली को उठाते हुए तुरंत ही कहता है, ब्लडबोर्न डिवाइडिंग द स्काई क्लॉ लिंगजू फ्लाइंग फिंगर। और जैसे ये दोनों ही लोग जॉन के ऊपर अपने अटैक करते हैं, जहाँ एक रेड कलर की फिंगर और एक रेड कलर का क्लॉ अटैक जो जॉन की तरफ बढ़ने लगता है, जिनके अंदर काफी पावरफुल पावर फ्लक्चुएशन होता है। और इन दोनों ही अटैकों से जॉन को भी थोड़ा सा खतरा फील हुआ था। तभी जॉन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी अपने ट्रम्प कार्ड निकालेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ फाइट करके मजा आया, लेकिन अब मैं बिल्कुल पोलाइट नहीं रहूंगा, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा जल्दी में हैं। और इसके बाद जॉन हैवी जॉन रूलर को पकड़ता है, और उसके हैवी जॉन रूलर में पूरी तरीके से स्काई फायर अफेयर होती है और मैग्मा की तरह ये साइन करने लगता है, जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है, 1000 feet हैवी जॉन रूलर। और जॉन के इमॉर्टल क्विक के साथ कंडेंस होकर यह अटैक पहले ही हाफ डोमेन लेवल तक पहुंच गया था, जो सनसनाता हुआ एक पावरफुल 100 feet के हैवी जॉन रूलर में बदल जाता है, जो सीधा उन दोनों के क्लॉ अटैक से टकराता है और फिंगर अटैक से। तो कुछ देर की तड़क भड़क के बाद हैवी जॉन रूलर उन्हें कांच के टुकड़े की तरह तोड़ देता है और सनसनाता हुआ इन दोनों से जाकर टकराता है, जिससे बेचारे सनसनाते हुए आधा किलोमीटर दूर तक उड़ते हुए गए थे। और इनकी बॉडी के जो कपड़े होते हैं वो धज्जियों में बदल चुके होते हैं, बॉडी में काफी सारी इंजरीज होती हैं, जो देखकर ये लोग काफी डरे हुए होते हैं और तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि ये बंदा वो नहीं है जिससे वो फाइट कर सकते हैं, साथ ही उनके दो पावरफुल अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे जिन पे उन्हें प्राउड था। हालांकि तभी जान कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? अरे यार, मैं इतनी जल्दी थोड़ी किसी को भागने दे सकता हूँ, अभी तो खातिरदारी करनी बाकी है। जॉन ने पहले ही अपने लिए एक पूरी अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी थी, इसलिए जो यान स्माइल करता है और उसकी स्काई फायर तुरंत ही स्काई फायर के बो में कंडेंस हो जाती है, और जो यान के घोस्ट सोल एरो में कंडेंस होने लगते हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुम स्काई फायर को बो में कन्वर्ट कर सकते हो और घोस्ट सोल को एरो के तौर पर यूज कर सकते हो, या घोस्ट सोल से बो को कन्वर्ट कर सकते हो और स्काई फायर को एरो के तौर पर यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद एक घोस्ट सोल तुरंत ही एरो में कन्वर्ट हो जाती है, और जॉन पहले से इन टेक्निक्स में अब काफी ज्यादा मास्टर कर चुका था। जिसके बाद जॉन तुरंत ही धनुष की डोरी को खींचकर दो घोस्ट सोल एरो उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है जो वहां से भाग रहे थे, जो देखकर एल्डर सीजन तुरंत ही कहते हैं, आखिरकार चल क्या रहा है, वो लोग भाग रहे हैं लेकिन अपनी जगह पर क्यों हैं? वो वहां से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? दूसरा यहाँ पे लिंगजू गॉड जनरल और ब्लडबोर्न जनरल भी इस पे ध्यान देते हैं,
कि वो भाग तो पूरी ताकत से रहे होते हैं लेकिन आधा फुट भी आगे नहीं जा रहे होते, जिसके बाद वो एक ही टाइम पे चिल्लाते हुए कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। उन्हें एहसास हो गया था कि वो जोयान के सोल अटैक के अंदर फंस चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली जोयान तुरंत ही कहता है कैसा लगा, मेरा सोल फाइटिंग स्किल कोल्ड स्काई चिल, जिसके अंदर जोयान सैडनेस हैप्पीनेस एंगर और इमोशंस की पावर को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही यहाँ पे जोयान के बाद दोनों ही लोगों को सुनाई देती है तो उनके कान घंटियों की तरह बज रहे होते हैं और उन दोनों के चारों तरफ का जो सीन होता है बड़ी तेजी से बदल रहा होता है। कभी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं तो कभी कभी रेगिस्तान तो कभी कुछ और, और वो तब तक इससे बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक कि उनकी स्पिरिचुअल पावर जो यान से ज्यादा स्ट्रांग ना हो। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं डैम इट ह्यूमन, अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो हमारे एम्परर निश्चित तौर पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे वो दोनों ही लोग जो यान के स्पिरिचुअल पावर से लाइफ के खतरे को फील कर चुके थे और तुरंत ही अपने बाप का नाम बताने लगते हैं कि बाप के नाम पे छोड़ दो। लेकिन जोन कहता है तुम्हारा बैड लक, तुम्हारे पिछले भाई ने भी मुझे एम्परर के बारे में बोला था लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा, मैं तुम्हारे एम्परर से नहीं डरता, बाल बराबर भी नहीं। और इसके बाद जो यान के दोनों ही घोस्ट सोल एरो उन दोनों के सामने आ गए होते हैं और ले भाई ओम फो धरनाटे काटते हुए इनकी बॉडी के आर पार। मतलब यार कोई इज्जत ही नहीं है यार, वो ब्लड मॉन्स्टर्स हैं यार, कुछ तो रिस्पेक्ट दोनों। कोई नहीं भाई, अपना ठरकी निर्दयी है, निष्ठुर है, कठोर है। दोनों ही एरो के अंदर जाते ही उनकी बॉडी पे तेज ब्लास्ट होता है, स्कारलेट रेड फॉग चारों तरफ फैलने लगती है और वो ब्लड के दो ढेर में बदल जाते हैं, जिसके बाद जॉन तुरंत ही हाथ को बढ़ाते हुए उस ब्लड फॉग को अपने हाथ में कंडेंस करता है तो दो बड़े बड़े ब्लड क्रिस्टल अपेयर होते हैं जो ब्लड इविल गॉड जनरल से भी बड़े थे, जिसका मतलब था कि इनके अंदर की जो इमॉर्टल कोई वो पिछले से ज्यादा है। दूत अब सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं मर गए, कैसे मर गए, इसने अकेले उन दोनों को मार दिया। किसी को उम्मीद नहीं हो रही थी कि जॉन ने लेट स्टेज की पावर के साथ पीक लेवल के दो वॉरियर्स को पेल दिया जो कि दोनों ही सेवन ग्रेट जनरल्स में से थे और सात में से तीन को तो जॉन ने पहले ही मार डाला था। और ये कहा जा सकता था कि मरमेड ट्राइब में हर कोई जॉन पर ध्यान दे रहा था और पलके भी नहीं झपका रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पलक झपकाई और रिजल्ट चेंज ना हो जाए। साथ ही चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई होती है और जॉन को देखने वाली हर एक आंख लगभग उनकी माँ की आंख मतलब कंफ्यूज होती है और हैरान। तभी जिया कहती है तो क्या ख्याल है सीनियर सिस्टर, मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रही थी। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और फुल प्राउडली लॉन्ग क्योंग की तरफ देखते हुए अपनी पलके झपकाने लगती है जो देखकर लॉन्ग क्योंग तुरंत ही कहती है जिया हालांकि ये तो काफी स्ट्रांग है लेकिन आपका भी स्ट्रांग बनेगी, और ऐसा कहते हुए जिया का पोपट कर देती है भाई। जो देखकर जिया तुरंत ही कहती है मैं केवल थोड़े टाइम के अंदर ही तो डाउडी कॉन्टिनेंट में आई हूँ, मैं पहले से ही 3 स्टार डाउडी हो चुकी हूँ। साथ ही ओल्ड एंसेस्टर ने भी तो कहा था मैं ड्रैगन्स के बीच में सबसे जल्दी ग्रो करने वाली और सबसे जल्दी पावरफुल होने वाली लड़की हूँ, देखना आप एक दिन मैं आपसे भी आगे निकल जाऊंगी। और ऐसा कहते जिया थोड़ा सा उदास होती है जो देखकर लॉन्ग क्योंग तुरंत ही उसे इग्नोर करते हुए जो यान की तरफ देखती है। दूसरे जॉन भी उन ब्लड क्रिस्टल को रखते हुए तुरंत ही स्माइल करता है और जो या जिया की तरफ देखता है और तुरंत ही उसे थम्स अप करता है कि काम हो गया। तभी क्या नहीं गाते हुए कहती हर कोई क्योंकि हमारी ट्राइब के अंदर आया हुआ खतरा खायब हो चुका है तो हमारी मरमेड ट्राइब के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है, हालांकि बाहरी अटैकों के कारण हमारी ट्राइब की हालत थोड़ी सी खराब है इसलिए खराब वेलकम के लिए हमें माफ करिएगा। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही ड्रैगन क्लेन के दोनों ही लोगों को ग्रीट करती है। तभी लॉन्ग क्योंग तुरंत ही कहती है हाँ हाँ मुझे याद है कि आप मरमेड ट्राइब्स हमेशा ही हाइड रहती हैं तो आप दुनिया के सामने कैसे आ रही हैं। और ऐसा कहते हो वो भी सेफ्टी बैरियर के अंदर एंटर हो जाती हैं, जो देखकर क्यानिंग तुरंत ही कहती है सीनियर मरमेड ट्राइब अब वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, क्लेन फॉर्मेशन टूट गई है और अब कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं है, साथ ही ब्लड मॉन्स्टर्स हमेशा ही हम पर अटैक करते हैं जिसके कारण हमारे क्लेन की जो हालत है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। जो देखकर तो ल्यू कॉन्ग और वो भी काफी ज्यादा उदास होती हैं, उन्हें भी पता था कि ब्लड मॉन्स्टर से पहले यह जगह स्पिरिचुअल बीस्टों से भरी हुई रहती थी लेकिन अब यह पूरी तरीके से खाली और डेड सी में बदल चुकी है, इसलिए वो तुरंत कहती अगर उनके पास वो एम्परर नहीं होता तो हमारे ड्रैगन क्लेन ने उन्हें बहुत पहले ही मिटा दिया होता। और ल्यू कियोंग ऐसा कहती है मतलब लॉन्ग कियोंग ऐसा कहती है जैसे उन्हें इनसे काफी नफरत हो। हालांकि जब लॉन्ग कियोंग बात कर रहे थे और क्यानिंग तभी जिया अचानक जो यान के पास आती है और अपने हाथों को और उंगलियों को फ्लैक्चुएट करते हुए वो जियान को एक चौड़ी स्माइल की तरफ देखते हुए कहती है आप तो बहुत पावरफुल हो गए हो, चाहे आप कहीं भी हो आप हमेशा ही स्ट्रांग होते हो। जिया की तारीफ में जो यान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है और तुरंत ही कहता है ये तो जरूरी था ना, अब मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन नॉर्मल कल्टीवेशन थोड़ी कर सकता है। और ऐसा कहते हुए जियान हंसने लगता है और इस टाइम पे जिया जो यान के काफी ज्यादा करीब होती है वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक एक हाथ आता है और जिया को दूर धकेल देता है, जो देखकर जो यान तुरंत ही कहता है किंग मियो और इसके बाद जिया की तरफ देखता है तो जियान का तो चेहरा ही काला पड़ गया होता है और जिया गुस्सा होने ही वाली थी कि तभी जियान इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मुझे खेद है जिया ये मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये मेरी वाइफ किंग मुयर है, मुयर ये जिया है और हम दोनों सेम कॉन्टिनेंट से हैं और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं,
साथ ही हम काफी अच्छे दोस्त हैं। जो सुनकर मुयर के जो गुस्से वाले इंप्रेशन होते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और वो तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है, हेलो और मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप लिटिल लायर की फ्रेंड थी। साथ ही वो जिया को काफी फ्रेंडली ट्रीट करती है और पूरी तरीके से बदले हुए इंप्रेशन के साथ, जो देखकर जिया भी जोयान के लिए इस बात को भूल कर इस्तेमाल करती है और किंग मुयर से हाथ मिलाती है और तुरंत ही जोयान को काफी अजीब तरीके से देखती है, जिसके बाद वो तुरंत इस्तेमाल करते हुए कहती है, हाँ हाँ तो वास्तव में इस कॉन्टिनेंट में भी तुम शुरू हो गए, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि इस कॉन्टिनेंट के भी सारी सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास ही होंगी। जो सुनकर तो मुयर के गाल लाल हो गए होते हैं और जोयान एम्बेरस होकर अपना चेहरा खुजलाता है। हालांकि जब हर कोई बात कर रहा होता है तभी लॉन्ग क्योंग इधर उधर देख रही थी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। तभी जिया कहता है, सिस्टर क्या आपको ये मिला, जिस पे ल्यू कॉन्ग तुरंत ही मना कर देती है। जिसके बाद लॉन्ग क्योंग बताती है, हमारे ड्रैगन क्लेन के लोग ब्लड मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते लेकिन उनका किंग इमॉर्टल्स के साथ फाइट कर सकता है, इसलिए हम लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। दूर सब तो क्यानिंग हैरान थी क्योंकि जोयान और बाकी सब लोग ड्रैगन क्लेन जाने वाले थे लेकिन बाय चांस ये लोग ही ड्रैगन क्लेन से यहाँ आ गए थे। ऑब्वियसली जोयान भी इनसे पूछना चाहता था लेकिन जोयान को भी एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है फ्रूट के लिए, इसलिए जोयान कहता है, जिया क्या आपके क्लेन में अभी भी 9-10 निर्वाना फ्रूट है। जो देखकर तो जिया थोड़ा सा हैरान रह जाती है और तुरंत ही कहती है, क्या तुम्हें उस चीज की जरूरत है। और जॉन के सीरियस इंप्रेशन को देखकर उसे पता चल गया था कि कोई तो बात गड़बड़ होनी चाहिए। जो देखकर वो अपनी स्टोरी रिंग को फ्लिप करती है और एक गोल्डन कलर का फ्रूट दिखाई देता है और यह फ्रूट काफी अजीब लग रहा था, इसमें कुछ इंप्रेशन भी लग रहे होते और ऐसा लग रहा होता है जैसे जिंदा हो। जो देखकर लॉन्ग क्योंग तुरंत ही कहती है, जिया नहीं, अगर आप इसे उसे दे देती है तो जब 5-स्टार ट्रिब्यूलेशन होगा तो आप क्या करेंगी। जो सुनकर तो जिया पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। जो देखकर जिया कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 5-स्टार के लिए कुछ टाइम है और क्लेन लीडर से मैं दूसरा ले लूंगी। जिया ऐसा स्माइल तो करती है लेकिन थोड़ा उदास लग रही होती है। दूसरी तरफ जोयान हैरान रह जाता है कि क्या वास्तव में जिया ये उसे देने वाली है। उसे समझ आ गया था कि यह फ्रूट जिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तभी लॉन्ग क्योंग तुरंत ही कहती है, 9-10 निर्वाणा फ्रूट जिसे अब क्लेन बांट सकता है वो काफी नहीं है और ये आपको क्लेन के एंसेस्टर द्वारा दिया गया था, इसलिए आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। साथ ही वो कुछ गुस्से में भी होती है। तभी जोयान कहता है, सीनियर सिस्टर ल्यू कॉन्ग क्योंग, और यह कुछ कहने वाली थी कि तभी जोयान उसे रोकते हुए आगे कंधे थपथपाते हुए आते हुए कहता है और तुरंत कहता है, जिया अगर ये चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें मुझे इसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस कोई रास्ता सोचूंगा। जिया के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर जोयान काफी ज्यादा खुश था कि यह लड़की हमेशा ही उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कभी भी कंजूसी नहीं करती। साथ ही जोयान स्मार करते हुए जैसे जिया के सिर को टच करता है तो जिया भी काफी कंफ्यूज होती कि आखिरकार ये बंदा कब से इतना बदल गया, जो भाव और इमोशन से भर गया। इसलिए तुरंत कहती, जोयान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसे चाहते तो मैं इसे आपको दे दूंगी, वैसे भी ये सिर्फ एक ट्रिब्यूलेशन के लिए ही तो है, मैं उस ट्रिब्यूलेशन से बिल्कुल भी नहीं डरती। और ऐसा कहते वो ये फ्रूट जोयान को दे देती है। जो देखकर जोयान ना तो हंस पा रहा था ना रो पा रहा था। जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, इडियट लड़की क्या तुम्हें सच में लगता है कि 5 ट्रिब्यूलेशन इतना आसान है कि तुम इसे पास कर लोगी, अगर गलती से भी ये तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो सोल की भी धज्जियां उड़ जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी हालत हो। जोयान को बार बार मना करते हुए देखकर जिया के पास अब चिल्लाते के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर आप इसे नहीं चाहते तो मैं सच में इसे अब फेंक दूंगी, मुझे बात तो मैं समझ में नहीं आ रहा, एक टाइम के लिए तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें ये चाहिए, अब कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम चाहते क्या हो। और ऐसा कहते वो उस फ्रूट को स्टोरेज रिंग में रख लेती है। दूसरी तरफ क्यानिंग जो एक तरफ खड़ी हुई होती है वो भी समझ गई होती है कि 9-10 निर्वाणा फ्रूट ड्रैगन क्लेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन के लिए यह उनके लिए सबसे जरूरी था, क्योंकि इस फ्रूट को ऑब्जर्व करके उनकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती तो और एक बार फिर से वो रीइनकार्नेट हो पाते थे। तभी जॉन कहता है, प्रिंसेस मुझे खेद है। जॉन ने सोचा था कि ड्रैगन क्लेन के अंदर 9 निर्वाणा फ्रूट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अब जॉन समझ गया था कि यहाँ पे पहले से ही फ्रूट काफी नहीं थे। जो देखकर क्यानिंग भी थोड़ा सा अकेलेपन के साथ कहती है, कोई बात नहीं, उसे पता था कि अब उसके फादर दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे, मतलब मर जाएंगे। जो देखकर जिया तुरंत कहती है, आखिरकार चल क्या रहा है। दूसरी तरफ लॉन्ग क्योंग भी जिया की तरफ देखती है, क्यानिंग की तरफ। जो देखकर क्यानिंग कहती है, यंग मास्टर जो मेरे फादर के लिए 9-10 निर्वाणा फ्रूट को खोजने के लिए आ रहे थे और ये सब मेरी गलती है, मैं ही बेकार हूँ। उसकी आंखें लाल हो गई होती है और आंसू बह रहे होते हैं। जो देखकर जॉन भी काफी उदास फील करता है और क्यानिंग को थोड़ा सा तसल्ली देता है। जो देखकर लॉन्ग क्योंग भी अपनी पहुंच चढ़ा लेती है जैसे उसने अंदाजा लगा लिया हो। तभी जॉन कहता है, मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना प्रिंसेस कह रही है, हालांकि प्रिंसेस के फादर को 9-10 निर्वाणा फ्रूट की जरूरत है लेकिन यहाँ पे मुझे भी एक फ्रूट की जरूरत है और ये केवल प्रिंसेस के लिए नहीं था, इसलिए प्रिंसेस को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। क्यानिंग को पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए देखकर जॉन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि भाई यहाँ मेरी भी लालच है। तभी लॉन्ग क्योंग तुरंत ही कहती है, अगर आपको वास्तव में 9-10 निर्वाणा फ्रूट चाहिए तो यहाँ एक जगह होनी चाहिए जहाँ से किसी ने भी फ्रूट को नहीं उठाया। दूसरे जॉन जो कि उदास होते हुए दूसरा रास्ता खोज रहा था ये सुनते हुए थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जॉन तुरंत कहता है, ओह सीनियर तो क्या आप मुझे बता सकते वो जगह कहाँ है। जो देखकर सीनियर लॉन्ग क्योंग थोड़ा सा रुक जाती है और बोलते हुए एम्बैरस होते हुए कहती है, वो जगह काफी खतरनाक है और मैं आपको उस जगह तक जाने की सलाह नहीं दूंगी।
साथ ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही खंडहर या मॉन्स्टर्स का अड्डा है। या मॉन्स्टर्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वह एशियंट मेडिसिन क्लेन द्वारा छोड़ा गया एक मेडिसिनल गार्डन है। साथ ही हमारे ड्रैगन क्लेन के अकॉर्डिंग ब्लड मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी पिलकर यूज नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि वो उनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर 9-10 निर्वाणा फ्रूट होने चाहिए। लेकिन साथ ही वहां पर ब्लड मॉन्स्टर एम्परर भी पहरा दे रहा है, शायद उसे भी वही निर्वाणा फ्रूट चाहिए। और जब तक हम उस ब्लड मॉन्स्टर एम्परर को नहीं हरा सकते, और ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और वर्ल्ड काफी कोल्ड है। और क्या नहीं हो, बाकी लोग भी ऑब्वियसली जानते थे कि ब्लड मॉन्स्टर एम्परर कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि ड्रैगन क्लेन ने भी उनसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। तो जियान अपनी पावर के साथ कैसे इसे सॉल्व कर सकता है? तभी जिया कहती है, यह पॉसिबल है, अगर हम खंडहर में जाते हैं तो हम मौत के मुंह में जाएंगे। यहाँ तक कि क्लेन के एक एल्डर को भी ब्लड एम्परर ने हैवीली इंजर्ड कर दिया है और वे भी वहां पे नहीं जा सकते अपनी सबसे खराब सिचुएशन में। मैं तुम्हें ये फ्रूट दे दूंगी, लेकिन जॉन तुम्हें उस जगह नहीं जाना चाहिए। जिया तो काफी टेंशन में लग रही होती है जॉन के लिए। तभी जॉन कहता है, मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है, क्या वो सिर्फ एक डाउट जियान नहीं है? तो क्या हुआ, बस उसे मार डालेंगे। और ऐसा कहते हुए जियान अपने सिर को उठाता है और चेहरे पर काफी कमिटेड इंप्रेशन होते हैं। और जियान कैसे इंप्रेशन को देखकर जिया को डर लग रहा होता है कि अगर इस बंदे ने कहा है तो ये करेगा और करने के चक्कर में मरने के लिए ना चला जाए। इस टाइम पे जिया जियान को ऐसे देख रही होती है जैसे जो यान की आंखों में डाउ जियान लेवल का वॉरियर कुछ है ही नहीं, दूध कम चाय है। लेकिन इसी के साथ हम यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि अगले एपिसोड को मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने जाना है। तो नेक्स्ट को नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय थ्रियन फैमिली, लाइक से सब्सक्राइब कर दियो, और हाँ कमेंट तो कर ही दो यार, कर दो प्लीज। बाय एंड ऑल्सो गुड नाइट।